हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 12वीं का चैप्टर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र जानने से पहले हमें स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर वैद्युतिकी से ही विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर को लिया गया है। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? इसमें आवेश स्थिर रहता है। मीन्स हमें इस पूरे चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में ही अध्ययन करना है। मीन्स आवेश जो है कहीं भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण जिससे वह पदार्थ अन्य पदार्थ पर बल का अनुभव कराता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। मान लीजिए ये दो पदार्थ है, इसके कारण अगर ये बल का अनुभव करता है तो उसको बोलेंगे विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल ये होता है कि हम लोग पहले क्या करते थे, पहले पेन को हम लोग ऐसे सिर पे रगड़ते थे और नीचे रखते थे तो क्या होता था, कागज़ के टुकड़े, धूल के कण उस पर चिपक जाते थे। मींस हम लोग जब ऐसा इस पे रगड़ते हैं तो ये हम लोग का जो ये आवेशित हो जाता है और धूल और वो कण चिपक जाते हैं। ठीक है, अब विद्युत आवेश क्या है? दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश का एग्जाम्पल है कांच का छड़, ऊनी कपड़ा। ऋणावेश का एग्जाम्पल है रेशम का कपड़ा, एबोनाइट। ठीक है, अब विद्युत आवेश के बारे में कुछ और देखते हैं। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है वह कूलाम्ब होती है। यह एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। सदिश राशि मीन्स जिसका दिशा एवं परिमाण निश्चित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसका दिशा एवं परिमाण निश्चित नहीं होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए बल एक अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है, इस प्रकार से। अब देखिए, आवेश बराबर होता है धारा गुणित समय। अब आवेश को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, धारा को आई से, समय को टी से। ठीक है, अब धारा का यूनिट जो होता है वो एम्पियर, आवेश का जो यूनिट होता है कूलाम्ब और समय का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी तार में 8 कूलाम्ब आवेश 4 सेकंड के लिए बहता हो तो धारा का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है। और हम लोग को दिया है, जैसे कि हल करते हैं, दिया है आवेश q बराबर कितना, 8 कूलाम्ब, समय t बराबर 4 सेकंड। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि q बराबर क्या होता है, आई टी, तब आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। आई अब क्यू की जगह में क्या रखेंगे, 8 रख देंगे, ठीक है, जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो धारा I बराबर क्या आएगा, 2 कूलाम्ब पर सेकेंड, क्योंकि ये इसका आवेश का यूनिट होता है कूलाम्ब और समय का यूनिट होता है सेकेंड या फिर एम्पियर। धारा को एम्पियर से भी नापते हैं। ठीक है, अब आते हैं विमीय सूत्र। हम जानते हैं कि Q आवेश, Q बराबर क्या होता है, धारा गुणित समय। तो अब विमीय सूत्र निकालने के लिए यहाँ धारा और समय क्या है, मूलभूत राशि है, अतः इनका मान नहीं बदलेगा। तो हम लोग इसका डायरेक्ट मान रख देंगे, आई को हम यहाँ क्या हो गया, धारा और समय ये दोनों जो है मूलभूत राशि है, अतः इनका मान नहीं बदलता है। अतः हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट रख देंगे, धारा आई की जगह एम्पियर इसका एक हो जाएगा, समय टी का टी हो जाएगा। तो ये इसका विमीय सूत्र है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, अब आवेशों को हम लोग कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसकी हम लोग विधियों के बारे में देखते हैं। तो तीन टाइप से हम लोग इसको आवेशित कर सकते हैं, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। ठीक है, तो पहले देखते हैं घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा हम लोग इसमें कैसे करते हैं, दो पदार्थ, कोई सभी दो पदार्थ को लेते हैं और दोनों को आपस में रगड़ते हैं और फिर दूर दूर ले जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों में अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि उनके आवेश का जो परिमाण है वो निश्चित रहता है। ठीक है, जैसे कि दो पदार्थ लिए, दोनों को रगड़े, तो एक में कौन सा आवेश, धनावेश उत्पन्न होगा, एक में ऋणावेश उत्पन्न होगा। मीन्स एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज, जबकि दोनों का, अब ये भी डिपेंड करेगा कि पदार्थ का गुण धर्म क्या है, अलग अलग पदार्थों के गुण धर्म अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान लीजिए कांच का छड़ लेते हैं और रेशम का कपड़ा लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो कांच का छड़ में क्या होगा, इसमें धनावेश पॉजिटिव चार्ज और रेशम का कपड़ा में ऋणावेश नेगेटिव चार्ज हो
हो जाएगा। अब दूसरा आते हैं चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा कैसे आवेशन होता है, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो बस इसको ऐसे स्पर्श कराएंगे तो इसमें जो इसका जो आवेश है इसमें आ जाएगा। स्पर्श कराना ही मीन्स ये जो है ये आवेशित है, ये अनावेशित है। इसको जैसे स्पर्श कराएंगे तो इसमें जो आवेश उत्पन्न हो जाएगा वो क्या होगा, इसमें भी आवेशित हो जाएगा। अब प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेरण द्वारा देखिए प्रेरण क्या होता है। प्रेरण मीन्स होता है यदि किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो अनावेशित वस्तु वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, जबकि दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत प्रेरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक अनावेशित गोला है, ठीक है, और यहाँ पे एक आवेशित पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें सब में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इसके समीप लेते हैं, ठीक है, तो इस गोले पर क्या है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा, जबकि दूर वाली सतह पर समान आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज ही उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही प्रेरण कहा जाता है। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या है, इसकी सतह पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, जबकि दूर वाली सतह पर वही चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही उत्पन्न हुआ। इस घटना को प्रेरण कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या है, आवेशों को आवेशित कर सकते हैं। अब जो है प्रेरण को लेकर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक गोले को प्रेरण द्वारा कैसे धनावेशित करेंगे। मान लीजिए खोखला गोला दिया गया है तो उसे हमें धनावेशित करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको किस टाइप से धनावेशित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लेते हैं एक अनावेशित गोला जिसको हम लोग को आवेशित करते हैं करना है। तो इसको हम लोग चार स्टेप में सॉल्व करेंगे और एक खोखले गोले को धनावेशित करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में एक ऋणावेशित छड़ जो है उसके गोले के समीप लाएंगे, ठीक है। जैसे ही गोले के समीप लाएंगे तो क्या होगा, प्रेरण के नियमानुसार स्टेप टू में ये जो ऋणावेशित छड़ है तो प्रेरण के नियमानुसार समीपवर्ती में विपरीत आवेश तथा दूरवर्ती में क्या है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऋणावेश है तो इसके समीपवर्ती में धनावेश उत्पन्न हो गया, जबकि दूर वाले सतह पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। अब स्टेप थ्री में क्या करते हैं, अब ये धनावेश आ गया, अब हमें इस ऋणावेश को हटाना है। तो इस ऋणावेश को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल से जोड़ देते हैं, भूसंपर्कित मीन्स जमीन में जोड़ देते हैं। तो क्या है, जमीन हम लोग का नेगेटिव चार्ज रहता है तो सारा नेगेटिव चार्ज क्या है, जमीन में चला जाता है, ठीक है। अब स्टेप फोर में क्या करते हैं, हम लोग इस भूसंपर्कित को हटाने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको दूर भेज देते हैं और फिर ये हम लोग को फाइनली एक धनावेशित गोला मिल जाता है, ठीक है। अब विद्युत आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश, ठीक है। अब धनावेश क्या होता है, धनावेश किसी वस्तु पर धनावेश जो है उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। मीन्स धनावेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मान लीजिए यहाँ एक समान आवेश का क्या है, ये धनावेश ऋणावेश है, ठीक है। अब ये तो अब सामान्य स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एक ऋणावेश ये धनावेश को काट दिया, ये एक ऋणावेश एक धनावेश को काट दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक ऋणावेश की या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं धनावेश, ठीक है। अब ऋणावेश में क्या होगा, ऋणावेश में मान लीजिए समान चार्ज का एक गोला है, इसमें भी प्लस आयन समान है, इसमें भी प्लस आयन समान है। मान लो किसी क्षण में एक इलेक्ट्रॉन या फिर ऋणावेश यहाँ ले आया तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। मीन्स सामान्य अवस्था से इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो इसको ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। मीन्स इसमें
इसमें धनावेश की अधिकता हो जाती है, इसमें ऋणावेश की अधिकता हो जाती है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब एक नोट करने वाली बात है कि सजातीय आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है, ठीक है। हमेशा जैसे कि प्लस प्लस चार्ज होगा तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, जबकि माइनस माइनस चार्ज होगा तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लेकिन जब प्लस माइनस होगा तो इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा, मीन्स अट्रैक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अब विद्युत आवेश के मूल गुण धर्म देखते हैं, ठीक है। मूल गुण धर्म में क्या होगा, आवेशों, उसका पहला है आवेशों में योज्यता, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे आवेश दिए गए हैं, ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने आवेश है, कोई सभी पदार्थ में कितना आवेश है, तो हम लोग उसको देखेंगे, बहुत सारे आवेश दिए रहेंगे तो उनका जो बीजगणितीय योग होगा वो कहलाएगा आवेशों की योज्यता। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बीजगणितीय योग जो है आवेशों की योज्यता कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन है, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः 2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एवं +8 माइक्रोकूलम उपस्थित है, तो कुल आवेश ज्ञात करो, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे चिन्ह पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 +2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे +8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इन सब का बीजगणितीय योग जो है वही होता है आवेशों की योज्यता, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। तो क्यों क्या हो जाएगा, +2 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, +8 माइक्रोकूलम। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +8 माइक्रोकूलम होगा, तो यही हम लोग का उत्तर है, ठीक है। अब आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण क्या होता है, आवेश संरक्षण के हिसाब से प्रकृति में पाया जाने वाला जो कुल आवेश है उसको न ही तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको क्या करते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वांटीकरण क्या होता है कि अगर कोई आवेश है, ठीक है, तो उसका जो ये आवेश है, ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी आवेशित वस्तु पर एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में हो सकता है, अर्थात आवेश का जो है अनिश्चित विभाजित नहीं किया जा सकता, मीन्स क्या होगा कि हम लोग इसको मान सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इसका अनिश्चित विभाजन नहीं हो सकता, मीन्स 2/3 इलेक्ट्रॉन, 5/6 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन अनिश्चित विभाजित नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन इक्वल टू क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, और ई इक्वल टू क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसका मान कितना होता है, 1.6×10⁻¹⁹, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन के लिए है तो -1.6×10⁻¹⁹ होगा, अगर ये प्रोटॉन के लिए है तो +1.6×10⁻¹⁹ होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में से कौन से आवेश संभव है, तो इसमें ऑप्शन है 7/9 इलेक्ट्रॉन, 5/4 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 2/3 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग आवेश के क्वांटीकरण से जानते हैं कि उसका अनिश्चित विभाजन संभव नहीं है, अतः इसमें क्या होगा, 9 इलेक्ट्रॉन ही उसका आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि क्यू इक्वल टू एन, यहाँ से आवेश के क्वांटीकरण से, ठीक है। तो एन, एन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों या फिर प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू क्या दिया है, यहाँ पे 1 कूलम आवेश दिया है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 1.6×10⁻¹⁹ ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मान है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये क्या है, माइनस
ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो प्लस 19 हो जाएगा और ये 1.6 नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू हम लोग ऐसे इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एन का मान क्या आएगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर 10⁻³३ इलेक्ट्रॉन और किसी तथा 10⁵ इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो वस्तु पर कुल आवेश बताना है हम लोग को। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ये प्रोटॉन के लिए है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा, -1.67 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन के लिए क्या होगा, +1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु पर कुल ऋणावेश, पहले ऋणावेश करेंगे निकालेंगे, फिर धनावेश निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो हम लोग का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू एनी होता है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, ठीक है, ऋणावेश के लिए निकालेंगे, तो क्या होगा, ये 10⁻³ दिया है, ठीक है, ऋणावेश के लिए, तो यहाँ पे -1.67 × 10⁻⁻ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा -1.67 × 10⁻⁶ कूलम आएगा, ठीक है। अब क्या है, कोई वस्तु पर हम लोग को अब धनावेश के लिए निकालना है, तो क्यों, ये क्या हो जाएगा, धनावेश के लिए, तो धनावेश के लिए क्या दिया है, ये धनावेश के लिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 10⁵ × 1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है। तो धनावेश के लिए क्या आ जाएगा, 1.67 × 10⁻¹⁴ कूलम आएगा, ये क्या है, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश का क्या है, आवेशों का बीजगणितीय योग होता है, ठीक है। तो क्यों कुल के लिए क्या हो जाएगा, टोटल के लिए क्यू इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन की बाहुल्य है, तो वस्तु पर उपस्थित आवेश, उस पर कितना आवेश है ये ज्ञात करना है, और उसकी प्रकृति भी हम लोग को बताना है, ठीक है। तो एन बराबर क्या दिया है, 4000 इलेक्ट्रॉन, हम लोग को क्यू निकालना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, -1.67 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, अतः क्यू पर कुल आवेश क्या होगा, क्यू इक्वल टू एन, क्यू इक्वल टू 4000, ये तो हम लोग का क्या आएगा, -6.4 × 10⁻¹⁶ कूलम आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋण आवेश होगी, क्योंकि यहाँ का जो वैल्यू है ये आंसर में क्या आया है, ऋण आया है, तो ये क्या होगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो ऋण आवेश होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का आज का सेशन ख़त्म होता है, और आपको नोट्स जो है, इसका जो हैंड रिटन नोट्स है, ये इस जो हम लोग आज पढ़े हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।